तो हे गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग भी फेसबुक मैसेंजर यूज करते हैं एंड यहां पर आप लोग ऊब चुके हैं इस फेसबुक मैसेंजर से, या फिर आप लोग बहुत सारे अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं फेसबुक मैसेंजर पे तो उस अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप लोग कैसे डिलीट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको फेसबुक मैसेंजर ओपन करना है। देन आपको इधर लेफ्ट साइड में थ्री लाइन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पर्सनल डिटेल्स। तो आपको पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पे फिर एक बार क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपका जो भी यहाँ पर ईमेल, बर्थडे, यहाँ पर जो भी होगा वो सब देखने को मिल जाएगा। देन आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेकेंड नंबर में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन। तो आपको डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जितना अकाउंट होगा, अगर इंस्टाग्राम कनेक्ट होगा तो वो भी आ जाएगा। अब आपको जो भी फेसबुक अकाउंट का मैसेंजर डिलीट करना है उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि अगर आप लोग फेसबुक मैसेंजर अकाउंट डिलीट कर रहे हैं तो आपका फेसबुक अकाउंट भी डिलीट हो जाएगा। आप लोग फेसबुक मैसेंजर डिलीट करें या फिर फेसबुक डिलीट करें, दोनों का सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलता है, डीएक्टिवेट अकाउंट एंड नीचे डिलीट अकाउंट। अगर आपको कुछ दिन के लिए डीएक्टिवेट करना है अकाउंट को, कुछ दिन के लिए नहीं यूज करना है तो आपको डीएक्टिवेट करके छोड़ देना है। अगर आप लोग फिर से यूज करना चाहें तो उसको फिर से आप लोग लॉगिन कर सकते हो। अगर आप लोग डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर आपका जो भी अकाउंट होगा वो देखने को मिल जाएगा। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको रीज़न बताना है कि आप लोग क्यों यहाँ पर डिलीट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कोई भी एक रीज़न दे देना है। यहाँ पर आई नो लॉन्गर विथ फाउंड फेसबुक एक यूज़फुल वाला ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद फिर से आपको कंटिन्यू कर देना है यहाँ पर। इसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपका जो अकाउंट होगा परमानेंट डिलीटेड का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर डीएक्टिवेट का भी ऑप्शन आएगा, तो आपको डीएक्टिवेट करना है नहीं, आपको डिलीट करना है। तो इसके लिए आपको नीचे जाना होगा। नीचे आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड मांगा जाएगा, सो आप लोग यहाँ पर अपना पासवर्ड दे दोगे। पासवर्ड देने के बाद कंटिन्यू जैसे करोगे आपका जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर परमिशन मांगा जाएगा। अब जो लास्ट यहाँ पर हमारा स्टेप है वो बचा हुआ है। यहाँ पर जैसे हम लोग डिलीट करेंगे ये मेरा अकाउंट डिलीट हो जाएगा, बट उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा। देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ, यू हैव 13 डेज टू डीएक्टिवेट योर अकाउंट। अगर आप लोग अपने अकाउंट को डिलीट कर देते हैं एंड फिर भी चाहते हो कि अपने अकाउंट को वापस लाए तो आप लोग 30 दिन के अंदर अंदर ला सकते हो। अगर 30 से 31 दिन हो गया आपका तो फिर आप लोग अपने अकाउंट से हाथ धो लोगे। अगर 30 दिन के अंदर आप लोग अपने अकाउंट को रीएक्टिव करना चाहते हो तो उसको फिर से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप लोग का जो अकाउंट होगा वो फिर आ जाएगा। अगर आप लोग 30 दिन के बाद करते हो तो आपका जो अकाउंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर डिलीट अकाउंट पे क्लिक करेंगे हमारा जो अकाउंट होगा वो कन्फर्म परमानेंट अकाउंट डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से करके आप लोग फेसबुक एंड मैसेंजर अकाउंट को डिलीट कर सकते हो।